केदारखंड से मानस खंड एक नंबर उत्तराखंड, केदारखंड से मानस खंड एक नंबर उत्तराखंड। ओ हो श्री रवि भटनागर जी हमारे डिटॉल से। आरजी काव्य जी, ओहो हिल यात्रा का उद्देश्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो मिशन और जो संकल्प देश के सामने रखा गया है, मिशन लाइफ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट का जो मंत्र है वो लोगों तक पहुंचाना, भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बातचीत करते हैं यहाँ से कि आज का जो हमारा प्रोग्राम था हिल यात्रा का कल्मिनेशन, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वाज देयर, हाउ इज योर एक्सपीरियंस, कैसा लगा वहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू योर रेडियो स्टेशन, थैंक्स टू यू पर्सनली फ्रॉम रैकेट एंड फ्रॉम डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू, टू योर चैनल फॉर टेकिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव विच इज़ वन ऑफ इट्स ओन काइंड, बिकॉज लार्जली पीपल आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट. And what we have seen is there is a huge, huge community action. When I say community action, specifically the kids, you know, how many kids participated, which is a very big number in itself, 25,000 plus kids were there. And you even took it digitally. And I see a lot of enthusiasm in the kids whom I met today, who have been the beneficiary of this Hill Yatra. And making Uttarakhand number one is equally a vision for Rekit also, because we have our biggest factory in Sitarganj, and you know, this factory served India and the world during the COVID. When, you know, world was closed, this factory gave the sanitizers, and it was running four shifts. And it's very important, like how this place Uttarakhand, which is Dev Bhumi, by the Ashirwad of all the gods and goddesses, we could, you know, make sure no one is left behind. And we were able to give hygiene access at the last mile. And thank you so much again, and thanks to the Honorable Chief Minister, who has been also very passionate about the work what we have been doing together, as well as for the whole campaign, which is Dital Banega Swasth India. Right. So, climate resilient schools की जब बात करें, आपने एकदम border के areas को पकड़ा, जहाँ पे चमोली का example है, उत्तरकाशी का example है, और I'm sure कि आगे आप इसको across 13 districts के अंदर ले जाना चाहेंगे. ये ख्याल कैसे आया, ये initiative? हम study कर रहे थे अलग-अलग states का India में vulnerability study, और हमने climate resilience index बनाया Ernst & Young के साथ में मिलके. तो जो मेरे जो सीनियर हैं मिस्टर गौरव जैन, जो कि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो उनके साथ में डिस्कशन चल रही थी, तो वो बोलते हैं कि ये रिसर्च टू एक्शन कब होगा. तो हमने कहा एक्शन तो बिल्कुल होना चाहिए, ये पीएचडी थीसिस तो है नहीं कि शेल्फ में कहीं पे बिठा देंगे या फिर एक थॉट लीडरशिप वाइट पेपर बना के दे देंगे. एक्शन कौन करेगा? एक्शन वही कंपनीज करेंगी जो कि रिस्पॉन्सिबल कंपनीज हैं, जिनका पर्पस बहुत स्ट्रांग है, जिनका लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है, और जो बिलीव करती हैं क्लाइमेट जैसे सब्जेक्ट्स में भी. ये भी डिस्कशन हुई कि यू नो क्लाइमेट चेंज हो रहा है. एक टाइम में हम बचपन में पढ़ते थे कि ओजोन लेयर जो है वो थिन होती जा रही है. हमने देखा कि सीएफसीज जो है वो कट किया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर्स में से न्यूअर टेक्नोलॉजीज आई, और तब लगता था ये सब तो एंटार्क्टिका में होगा, इस सब पे तो पोलर बियर्स पे असर पड़ेगा, हमारे पास में कब असर पड़ेगा. लेकिन जो क्लाइमेट जो सारे डिजास्टर्स हुए इंडिया में, उत्तराखंड में, अलग अलग सालों के अंदर, और बहुत सारे लैंडस्लाइड्स हैं वगैरह वगैरह, जब उसका पूरा स्टडी किया तो देखा कि बहुत हाई वल्नरेबल जोन है पूरा जो उत्तराखंड है. तो हमने कहा कि पहले यहीं से काम हमें चालू करना चाहिए, और अर्लियर यू स्टार्ट बेटर इट इज़. और हमें ये भी लगता है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पे जो ओरिजिनेट हो रही हैं, और जैसे आज हमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो मिशन लाइफ भी जो पूरी देश को समर्पित किया है, अमृत काल इज़ द राइट टाइम एक्चुअली, वेयर हम सबको कर्तव्य बंध बना रहे हैं और अपने साथ में यंग माइंड्स को जोड़ रहे हैं, जो कि सो कॉल्ड जनरेशन एक्स वाई जी है. और यही जो जनरेशन है वो टॉर्च बेयरर्स हैं, जो आगे जो बड़े होंगे तो इनको याद रहेगा कि हमको ये एक्शंस लेने हैं, ये एक्शंस नहीं लेने. और आपकी ये जो पूरी जो मुहिम है हमारे साथ में, जो ये हिल यात्रा है,
इससे कम्युनिटी नजेस बहुत स्ट्रॉन्ग हुए हैं, मैं बहुत श्योर हूँ इस चीज़ का। और इम्पॉर्टेंट क्या होता है, नॉलेज इज द स्टार्टिंग ऑफ द थिंग। बिहेवियर और प्रैक्टिस जो है वो अल्टीमेट टेस्ट ऑफ द ट्रूथ है कि नॉलेज कितनी स्टे कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये हमारी जो बिगनिंग है आपके साथ में, जो हमने जो यात्रा चालू करी है रैकेट ने और इट ऑल बनेगा स्वस्थ इंडिया ने, इस यात्रा को हमको और आगे अगले कुछ सालों में और भी आगे लेके जाना चाहिए। और ये यहीं पे ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ये मेरे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना मेरे लिए हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में इम्पॉर्टेंट है, जितना इम्पॉर्टेंट मेरे लिए चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल अगेन नॉर्थ ईस्ट में है, उस जैसे मेरे लिए जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, उतना ही इम्पॉर्टेंट मेरे लिए ये ओहो हिल यात्रा भी है। हो सकता है सब्जेक्ट और थीम्स हम अलग अलग थीम्स के बारे में और बात करें, जैसे कि मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट थीम लगता है, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट जर्म्स का और हैंड हाइजीन का होगा। तो अगर हम साथ में कुछ क्यूरेट करते हैं और इसके ऊपर लोगों के जानकारी को अगर और इंक्रीज करते हैं, बच्चों को और इसमें इन्वॉल्व करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी प्रोग्रेसिवली राइट डायरेक्शन में क्लाइमेट इनिशिएटिव्स को ले जा सकते हैं। एक स्टेट ऑफ उत्तराखंड में क्लाइमेट एक्शन प्लान होगा, आई एम वेरी श्योर हर स्टेट का है, पर जितना गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविल सोसाइटी का है, उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया हाउसेस का है, उतना ही कॉर्पोरेट हाउसेस का है। और हमारा एक बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल है आज का जो हमने जो प्रोग्राम को कंक्लूड किया, तो मेरे लिए सिर्फ कंक्लूजन नहीं है, ये मेरे लिए ऑल्सो एक डायरेक्शन है और रैकेट और डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया के लिए भी, कि ये आगे इसको बढ़ा के रखना है, इसको कंटिन्यू रखना है, इसको यहीं पे ख़त्म नहीं करना है। अगर ख़त्म किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो कॉन्सिक्वेंसेज ये है कि जो नॉलेज बेस हमने बिल्ड किया है एक साथ में 20,000 किड्स का, वो नॉलेज बेस डाइल्यूट हो जाएगा और हैबिट और बिहेवियर स्टे नहीं करता अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं होते। किसी भी बिहेवियर चेंज कैंपेन को अलग अलग फेसेस में लेके जाना पड़ता है और अलग अलग नजीज लेके आने के लिए, और मुझे लगता है कि आपके साथ में काम करते हुए हम लोग नई नजीज डिस्कवर करेंगे और हम इस कार्यक्रम को और आगे लेके जाएंगे आपके साथ में, हो ही अपने साथ में। बाय द वे ऑन पर्सनल रिकॉर्ड्स आई हैव बीन फॉलोइंग यू एज आरजे, I have very high regards for you. Thank you. And the kind of work you have been doing. To me, if I have to summarize it, what you are doing is something which is almost, I mean, say it is basically nation building. And when there is a national purpose, brand purpose, and company purpose, when these all three come together, it's called symphony. And you are one of the finest examples how to lead the youth. And we also have the expectations like youth do have better hygiene practices so that they fall sick less, the school absenteeism reduces, and our missions are very much aligned. And I look forward to work with you in the future. Thank you very much, sir. And hoping for a ग्रेट कोलैबोरेशन आगे और ज़्यादा, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि ओहो रेडियो बिलीव करता है कि सोच लोकल एंड अप्रोच ग्लोबल पे, और आप एक ग्लोबल ब्रांड हैं जो कि लोकल इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कोलैबोरेशन और बेहतर हो सकती है। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।